हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल। वी आर बैक विद अनदर वीडियो। तो हमारे ठीक सामने आ चुके हैं दोनों गाड़ी। बहुत सारे लोगों का ये आया था कि कंपैरिजन करो भाई डोमिना 400 के साथ। दोनों 400 सीसी गाड़ियां हैं और यहां पे दोनों में सेम पावर है, सेम बीएचपी है। तो यहां पे आज हम इसका ड्रैग रेसेस करने वाले हैं और आपको बताने वाले किसका परफॉर्मेंस ज़्यादा आपको अच्छा देखने मिलता है। तो सबसे पहले देख लो यहां पे गाइस की जो NS 400 का लुक्स है कुछ ऐसा आता है, जैसे कि आप सब देख सकते हो। और जो डोमिनार 400 का लुक है कुछ ऐसा आता है, थोड़ा मस्कुलर और ज़्यादा बड़ा देखने को मिलता है डोमिनार 400 का लुक। तो ओवरऑल गाड़ी में कुछ ज़्यादा चेंजेस आपको नहीं देखने को मिलेगा, चेंजेस तो बस आपको बॉडी में देखने को मिलेगा, क्योंकि NS 400 में आपको जो बॉडी मिलता है वो मिलता है आपको NS 200 का। और डोमिनार 400 देखेंगे हम ज़्यादा फास्ट होती है या फिर NS 400, दोनों का कंपेरिजन करके आपको बताएंगे। परफॉर्मेंस टेस्ट करने वाले दोनों गाड़ियों का और आपको बताने वाले हैं कि कौन सी गाड़ी ज़्यादा फास्ट होती है और डोमिनार 400 का परफॉर्मेंस कैसा और NS 400। ऐसे ही बात करी जाए तो 290,000 की इसकी प्राइस पड़ती है 400, और उसकी बात करें तो 235,000 के आसपास पड़ती है। तो देखो भाई, मैं तो ये कहना चाहूँगा अगर आपको सिटी के लिए चाहिए और हाईवे के लिए आप अगर लेके जाते हो गाड़ी, तो ये गाड़ी आपके लिए ज़्यादा फास्ट हो सकती है। और अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए जो कि टूरिंग पर्पज़ के लिए चाहिए, ज़्यादा हैवी है और ट्रैफिक में चलना थोड़ा मुश्किल है, तो ये गाड़ी को आप चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक बार इन दोनों का थोड़ा सा ड्रैग करके चेक करेंगे कैसा परफॉर्मेंस है दोनों में से, किसका परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर आपको प्रोवाइड होता है। और इस साइड आ जाइए, तो यहाँ पे इन दोनों का परफॉर्मेंस टेस्ट करने वाले हैं। एक बार आवाज़ सुना देते हैं इस गाड़ियों का, इन दोनों गाड़ियों का। तो ये है NS 400 और यहाँ पे मैं गाड़ी में बैठ गया, ठीक है। ये पहले गियर में, इसको न्यूट्रल कर लेते हैं। इसमें हैजार्ड लाइट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जो कि आपको डोमिनार में नहीं देखने को मिलता। स्टैंड को ऊपर किया, आवाज़ देखते किसका लाउड है, कुछ ऐसा आवाज़ आपको देखने को मिलता है NS के 400 में। अब हम डोमिनार की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे जो आपको हाइट चाहिए NS 400 चलाने के लिए, अराउंड 5.7 के आसपास लगेगा आपको हाइट, मिनिमम 5.6 के ऊपर चलेगा। लेकिन डोमिनार चलाने के लिए आपको हाइट थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए। एक बार आपको दिखा देते हैं, तो इसके लिए आपको मिनिमम आपकी हाइट 5.9 के आसपास चाहिए, क्योंकि आपका पैर टच ही होगा तभी आप गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। और आपका वेट भी थोड़ा ज़्यादा चाहिए इन दोनों गाड़ियों में। तो देखा जाए तो डोमिनार गाड़ी जो है वो मस्कुलर है, थोड़ा सा वेट बैलेंस करना थोड़ा सा हार्ड होता है ट्रैफिक में चलाना है। तो इन दोनों का परफॉर्मेंस आप टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कौन सी गाड़ी आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होती है। तो आपका बजट अगर कम है और 400 सीसी गाड़ियाँ चाहिए तो आप NS 400 को चूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त गाड़ी है भाई। R15 के रेट में आपको अगर 400 सीसी गाड़ी मिल रही है तो आप क्यों दूसरी गाड़ी चूज़ करोगे। सो एक बार इसका आवाज़ में सुनाना भूल गया था, एक बार आवाज़ सुना देता इसका। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हम ट्रैक को स्टार्ट करेंगे और आपको बताएंगे कैसी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है नेक्स्ट वीडियो में।